हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर और आज शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर आज हम शुरू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सीरीज होने वाली है, 5-6 वीडियो बनेंगे कैपेसिटर के। उसको मन लगा के, ध्यान लगा के, दिल लगा के पढ़ लेना। देखो कैपेसिटर क्या चीज है और कहां से इस चैप्टर में अचानक से घुस गया। आपने रेजिस्टर सुना होगा, रेजिस्टेंस। अब वो भी नहीं सुनना है तो क्या कर सकते हैं, चैनल बंद करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस सुन रखा है सबने, सब लोग जानते हैं रेजिस्टेंस। हाँ, वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता था, वो आर लिखते थे, ठीक है। वैसे ही एक नई चीज आई है कैपेसिटर, इसके लिए सी लिखते हैं, सी। और ऐसी ही एक चीज मैग्नेटिज्म में आने वाली है, इंडक्टर, उसके लिखते हैं एल। तो ये तीन सर्किट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिसको मिलाकर बनेगा LCR सर्किट। क्या बनेगा? LCR सर्किट। ये तो आगे पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, कैपेसिटर आएगा आपका इस चैप्टर के अंदर और इंडक्टर आएगा मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। तो अभी तक इतना समझ में आया कि कैपेसिटर कुछ रेजिस्टेंस जैसा शायद होता हो, कोई एक डिवाइस है, कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है देखो कैपेसिटर, पहले हेडिंग लिखते हैं, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। हेडिंग लगाएंगे पहले कैपेसिटर। सर आप जितने एनर्जी में क्यों हो? क्यों कम है? क्योंकि मेरा वेबसाइट चल गया है। वेबसाइट का लिंक www.physicswallahalakhpandey.com नीचे मैं लिख दूंगा, ठीक है। वेबसाइट पे जाइए, जो मटेरियल पड़ा है उसको डाउनलोड करिए, बाकी मटेरियल्स पे धीमे धीमे आता जाएगा। तो बात हो रही थी कैपेसिटर की, भैया कैपेसिटर चीज क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज शुरू करने में ज्यादा वक्त लगता है या ज्यादा मेहनत लगती है कि नहीं, है ना। सर कोई चीज स्टार्ट करने में ज्यादा दिक्कत होती है, वो चीज उसके बाद स्मूथली चलती रहती है। जैसे पंखा हो गया ना, पंखे को जब शुरू करते हैं तो बहुत ढेर सारा करंट विड्रॉ करता है। कूलर का पंखा हो गया, ये नॉर्मल वाला फैन हो गया, टुल्लू हो गया, टुल्लू, टुल्लू तुम्हारा पेट, टुल्लू नहीं, टुल्लू मतलब मोटर, मोटर हो गई, ठीक है। इन सब चीजों को शुरू करने में बहुत ढेर सारा करंट चाहिए हो, उसके बाद चलते रहने के लिए इतना करंट नहीं चाहिए होता है। तो इसको लिख लेते हैं, बात को आराम से समझते हैं, एकदम धीरज से समझो। कैपेसिटर एकदम दिल में उतर जाएगा आज के इस लेक्चर के बाद। वैसे आज हम सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस कर पाएंगे, जो कि बोर्ड के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बट फील के लिए आज आपको कैपेसिटर हम एकदम फील करा देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो जहां से स्फेरिकल कैपेसिटर आया, बोर्ड वाले बच्चे वहां से भाग सकते हैं, पर पहले फील ले लो कैपेसिटर चीज क्या, वरना मजा नहीं आएगा। आगे मैं फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, तेज तो नहीं हो रहा, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है, माफ करिएगा, मुझे माफ करना ओ प्यारे बच्चों। तो वो बात कर रहे थे कैपेसिटर की, तो मैं ये कह रहा था कि सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। अभी वेरी हाई करंट का कई बच्चे सोच रहे हैं 1000 एम्पियर है, नहीं, 25 एम्पियर 50 एम्पियर बहुत हाई होता है, 25 एम्पियर 50 एम्पियर बहुत हाई करंट चाहिए शुरू, टू स्टार्ट देम, ठीक है। अरे यार कोई भी चीज होती है ना, उसको शुरू करना टफ होता है कि नहीं, है ना। जाके कैसे पहले कौन बोल दे कि हम आपको पसंद करते हैं, उसके बाद तो कहानी स्मूथ हो जाती है। सर पढ़ने दो, कहाँ फंसा रहे हो। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसको फिजिक्स में अगर मैं समझाऊं तो ऐसा फील कर सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है कि नहीं। रखी हुई टेबल को खिसकाना मुश्किल है, उसके बाद चलाते रहना आसान है। तो जैसे पंखा वगैरह हो गया ना, लाइक फैन, मोटर एक्सेट्रा, तो इन सब का मोशन स्टार्ट करना टफ होता है बिकॉज दे रिक्वायर वेरी हाई करंट। अब कहोगे इतना हाई करंट कहाँ से मिलेगा? बोलोगे सर आता तो है घर में करंट, वो तार लेके लगा देंगे, करंट आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके घर पे जो करंट का लिमिट होता है, आपके घर की तरफ जो करंट का लिमिट, 30 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होता। आपका मेन फ्यूज 30 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होता। पंखा नॉर्मली कितना करंट लेता है आपका? पंखा नॉर्मली 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं लेता, बहुत ज़्यादा करंट हो गया। बट यहाँ चाहिए 25 से 50 एम्पियर, कहाँ से आएगा इतना ढेर सारा करंट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। ये क्या कंसेप्ट है? कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके स्टोर कर लेता है एंड सप्लाई इट एट वंस। चाहिए आपको लो एक बार में पूरी एनर्जी, पहले ले लेके पूरी इकट्ठा कर ली, फिर तुमको चाहिए ले पूरी एनर्जी।
तो यहां पे जब आपको हैवी करंट की रिक्वायरमेंट हो तो उन डिवाइसेस में आपको कैपेसिटर का यूज करना पड़ता है। आप बोलोगे सर पंखे में कहां कैपेसिटर है, आपने देखा होगा पंखे में इतना एक व्हाइट कलर का ऐसे सिलेंडर का एक डिब्बा देखा होगा, कई लोग ने खोल भी रखा होगा ना, अपने अपने घर के जो इलेक्ट्रीशियन होंगे 10 रुपये ना मिला होगा आपको, मिला है 10 रुपये कभी बनाने का? नहीं, करंट अलग से पड़ा है कई बार छूते है ना। तो ये आपने देखा होगा डिवाइस जिसको आप कंडेंसर बोलते होंगे, पापा बोलते होंगे ना कूलर का कंडेंसर खराब हो गया इसको बदलना पड़ेगा, पापा लोग नया कूलर नहीं लाते कंडेंसर ही बदलते रहते हैं। खैर, तो वो कंडेंसर क्या चीज होती है, वही होता है हमारा कैपेसिटर, वही होता है हमारा कैपेसिटर। कैसे बना होता है वो थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा, वही है कैपेसिटर। कूलर का पंखा होता है जुम 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 चलता है एकदम तेजी से, तो चलाना आसान है पर स्टार्ट करना टफ है, स्टार्ट करने के लिए एक हैवी करंट का रिक्वायरमेंट है। तो कैपेसिटर कहता है ठीक है अभी हम कूलर स्टार्ट करेंगे, लाओ पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने अंदर स्टोर कर ले हईशा ले भाई, और जर्र वो घूम गया। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस, सडनली उसको दे देना खचाक ले, समझ में आ गया, दिस इज कैपेसिटर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल किताबों में बहुत दिया रहता है, वो कैमरे में जब हम लोग ऐसे फोटो खींचते हैं तो खींच मेरी फोटो खींच, अच्छा ठीक है, जब फोटो खींचते हैं तो पिचुक से फ्लैश नहीं चमकता है, आंख बंद हो जाती है ऐसे, है ना। सर फ्लैश याद आ गया, किचिक बचपन में डर लगता था मुझको उससे, है ना, उसमें से भूत निकलता था किचिक। तो यार फ्लैश की लाइट ना बहुत ज़्यादा होती है और कैमरे के अंदर बैटरी इतनी छोटी सी पेंसिल बैटरी पड़ी है, उस पेंसिल बैटरी से इतनी ज़्यादा लाइट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। देखो बैटरी भी करंट देती है, बैटरी सेल क्या देती है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो पता ही होगा सबको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, देती तो है बट इतना ज्यादा करंट नहीं देती एक बार में, और उसके ऊपर लिखा रहता है 1.5-1.5 एम्पियर 2-2 एम्पियर, उससे क्या उम्मीद कर रहे हो उसकी, फ्लैश के लिए तुमको 20-25 एम्पियर चाहिए, पचाक। तो उसके अंदर भी क्या लगा रखा है आपने, कैपेसिटर लगा रखा है ना, लाइक कैमरा फ्लैश, कैपेसिटर ने एनर्जी अपने अंदर स्टोर रखी है, कब चाहिए आपको, अभी खचीक मार दिया। सो व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, ध्यान से सुनो, इज अ कंडक्टर, ध्यान से सुनना आप कुछ लिखने जा रहे हैं, which stores electrical charge, सर decide करो आप चार्ज की एनर्जी। देखो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करोगे, चार्ज के फॉर्म में। भाई कहीं पे आपके पास खूब ढेर सारा चार्ज है और उसको सडनली आप कहीं फेंक दो तो आपने क्या फेंकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहीं पे चार्ज अगर आप कलेक्ट, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको याद हो तो, K Q1 Q2 / R, तो कहीं ना कहीं चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, अभी फील और आएगा। कहने का मतलब कि कैपेसिटर आप ये भी कह सकते हो कि इट स्टोर्स चार्ज, बट बेटर होगा कि अगर आप बोलो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या होता है कंडक्टर, क्यों कंडक्टर ही तो चार्ज रख सकता है अपने पास। तो कैपेसिटर क्या है, कोई एक कंडक्टर है जो किसी भी शेप साइज का हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। किताब में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया क्योंकि आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा, बोर्ड में वही आएगा, बट फील तो ले लो कि कैपेसिटर चीज क्या है। कैपेसिटर वो चीज है जो एनर्जी को स्टोर करे और सडनली एनर्जी को सप्लाई कर दे, ठीक है ना, डूड बंदा है कैपेसिटर एकदम, है ना, पेशेंटली एनर्जी को स्टोर करता रहेगा और एग्जामिनेशन डे में जाके पुचूक से फेंक देगा। बैटरी का अपना काम है, लगातार घिसा पिटा ले, थोड़ी सी एनर्जी ले, थोड़ी सी एनर्जी चलता रहे भाई। क्लियर हो गया, नोट कर लेना इतना, फिर कोई शेप साइज में कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है, नोट कर लें, क्लियर है। ये कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन थी, मिटा रहे हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया सर आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, आप बहुत उदास दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं दुखी उदास नहीं हूं, काम रहता है बच्चों, मिटा दे। हर दिन स्कूल के आप उतने ही खुशी से जाते हो, नहीं ना, किस दिन ऐसे जाते हो, किस दिन वैसे जाते हो, काम रहता है, मिटा रहा जाए इसको,
मिटा दिया जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबकी भारी डिमांड पर ये ग्लव्स वापस लाया गया। बहुत धूड़ धाड़ के ये वही सेम ग्लव्स मुझे मिला, खरीद के नहीं लाया, वही गंदा था, गंदा सा मैंने उठा के पहन लिया। छह साल। अच्छा, कम बैक टू द टॉपिक। व्हाट वाज आई टेलिंग यू दैट सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर अ वेरी ह्यूज करंट टू स्टार्ट देम एंड फॉर सच वर्क टू बी डन वी यूज कैपेसिटर व्हिच स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिलीवर देम एट वंस। बहुत अंग्रेजी हो गई। अच्छा, अब एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ना, मतलब इसकी क्या कैपेसिटी है चार्ज पकड़ के रखने की या एनर्जी पकड़ के रखने की, कह सकते हो, दोनों चीज कह सकते हो। जैसे रेजिस्टर क्या होता है कि करंट को रोकेगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी करंट को कितना रोकेगा। वैसे कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। डिफरेंस तो समझ रहे हो, प्रॉपर्टी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, इट्स कैपेसिटी, या ये बोल दो एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रख सकता है, किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ऐसे लिख दे टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। बोलो सही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को रख पाने की क्षमता को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कोई चाहे तो बोल सकता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एक ही बात है, ठीक है ना। अब कैपेसिटेंस का जैसे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू V बाई I, है ना। देखो साथ साथ में भी पढ़ा रहे हैं आज। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, एक तो सिंबल होता है इसका C, और फॉर्मूला होता है Q बटे V। पहले तो छाप लो फिर बातें करते हैं। Q बटे V, जैसे मान लो हमारे पास यहां कोई कंडक्टर है, कचक कचुक टाक टिक टाक टुक टुक, कैसे भी शेप का हो सकता है, ये क्या बन गया पता नहीं क्या, ये कोई मान लो कंडक्टर है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। प्यारे बच्चों, मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q, और इस टाइम इसका पोटेंशियल है V, कंडक्टर का पोटेंशियल, उसके आसपास नहीं, कंडक्टर का पोटेंशियल है V। तो कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया Q बाई V। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ दैट कैपेसिटर या कंडक्टर। नोट करो, धीमे धीमे फील आएगा। कई लोग के दिमाग में एक कॉमन सा सवाल, नहीं आया तो आना चाहिए, कि भाई कैपेसिटर टू एबिलिटी टू होल्ड चार्ज थी, तो यहां तो फॉर्मूले में सिर्फ क्यू होना चाहिए कि कितना चार्ज रख सकता है, या एनर्जी होती सीधा सीधा कि कितनी एनर्जी रख सकता है। मतलब कैपेसिटेंस की जो यूनिट होनी चाहिए, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से या तो जूल हो कि कितनी एनर्जी होल्ड किया, या चलो ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज करके कूलम भी कर सकते हैं कि कितना चार्ज होल्ड किया, बट इन दोनों में से कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती। क्यू बाई वी, ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों, सोचो जरा सोचो, इसे क्या हुआ है बताएं। Q by V, पहले तो नोट कर लो, जो है सो है, जैसे डिफाइंड है डिफाइंड है, डिफाइंड कैसे ही है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बच्चों इसलिए हुआ, देखो सिंपली बताते हैं। मान लो यहां मेरे पास कोई कंडक्टर है, कैसा भी ले लो, मैंने ऐसे ले लिया, मान लो ये कोई कंडक्टर है स्फेरिकल, और इस पर कुछ चार्ज है, ये कोई समझा रहे हैं कि वी क्यों आया फॉर्मूले में, बस समझाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस पे कुछ चार्ज है, मान लो जैसे इसमें मान लो क्यू चार्ज है इस टाइम। अब भाई कंडक्टर पे चार्ज आ गया तो इस पे कुछ पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा, मान लो इस पे पोटेंशियल वी हो गया। अब मान लो इसमें हम और चार्ज डालना चाहते हैं, इसमें और चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, तो मान लो हम डी क्यू चार्ज लेकर आए कि इसमें हम डी क्यू चार्ज और रखेंगे, नहीं इसको हम और चार्ज स्टोर कराएंगे, डी क्यू करके एकदम भर देंगे, ठीक है। लालची इंसान चाहते हो कि एकदम कैपेसिटी बढ़ जाए, आप डी क्यू लेके आए कि रख लो। अब भाई इसको दिक्कत क्या, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, कहेगा डी क्यू से हटो तुम, अरे भाई ये इसको रिपेल करेगा, कहेगा हम नहीं रखना चाहते। ऐसा देखो इसको और समझने का आसान तरीका, जब आप डी क्यू यहां से लाके यहां पे रखोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई एक चार्ज को कहीं से कहीं मूव करते हो, मान लो डी क्यू को कहां से उठा के ले आए, वही उसका घर, चार्ज कहां से मिलते हैं सारे, हम लोग तो
मेहनती लोग हैं, कहाँ से लेके आते हैं चार्ज, इन्फिनिटी से है ना, हमेशा इन्फिनिटी है, चल चार्ज। तो इन्फिनिटी से हमने कहा ए डी क्यू चलेगा यहाँ पे, इसने बोला चलो, पर हमारे ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस अब तक पढ़ा होगा, क्या लिखोगे, वी यहाँ का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाई डी क्यू, इतना तो पढ़ रखा है, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू लिख लिया, आप मेरे से खफा तो नहीं है इस बात पर, समझ में आ रहा है। हमने कहा डी क्यू चार्ज से है, डी क्यू इस पर चल लोगे, इसने कहा चलो ठीक है थोड़ा वर्क कर लो हम पे। हमने कहा कितना वर्क, इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस की तुमको डेफिनेशन याद है, हमने बोला हाँ, वी माइनस वी इनफाइनाइट जीरो हो गया, वी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, तुम मेरे पापा के दोस्त हो, वी डी क्यू, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू, इतना वर्क करना पड़ेगा, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हनुमान जी आके थोड़ी ना करेंगे, हम ही करना पड़ेगा, तो ये वर्क हम करेंगे भाई। अब यार ये वर्क पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, यहां पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा हमें उतना ज्यादा वर्क करके इसको लाना पड़ेगा, यानी हम तो चाहेंगे कि पोटेंशियल कम हो कि ज्यादा चाहोगे, सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, आपके पास अपना दिमाग है भाई, यूज करें, बगल वाले से ना पूछें, फोन कर दिया दोस्तों को, बताओ भाई क्या होना चाहिए, बताओ 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 बताओ, हमने भाई इस पे चार्ज ज्यादा से ज्यादा रखना है कि नहीं, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ाना चाहते हैं, हमने कहा ए डी क्यू तुमको भी रख दे, इसने कहा ठीक है, इसके लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, चार्ज को उठा के यहां तक लाना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, वी माइनस वी इन्फिनिटी इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इसने कहा वी डी क्यू हमारे ऊपर वर्क करो तब हम चलेंगे। हमने अब सोचा यार इतना काम करना पड़ेगा, अगर ये वी कम होता, अगर ये वी कम होता तो हमें वर्क भी कम करना पड़ता, यानी हम और चार्ज इस पे ला ला के रख सकते थे, यानी वी जितना कम होगा एबिलिटी टू होल्ड चार्ज उतनी ज्यादा होगी, इसलिए यहां पे वी डाल दिया। नहीं अभी भी नहीं समझे, समझे कि नहीं, ये वी अगर कम हो जाए, जैसे मान लो बहुत छोटा पोटेंशियल होता तो हमें वर्क भी छोटा सा, फिर तो हम आराम से चार्ज डालते जाते डालते, वी कमी है, वी बढ़ ही नहीं रहा है, एकदम चेल एकदम हल्का, वी बड़ा हो रहा है, इसलिए हमको ये मेहनत कर करके चार्ज रखना पड़ रहा है, और इसकी कैपेसिटी कम हो रही है, यानी कैपेसिटी वी पे डिपेंड करती है। अगर पोटेंशियल ज्यादा होता इसका तो हम और चार्ज रखने में बहुत मेहनत करते, तब इसकी कैपेसिटी कम हो जाती, वी जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, इसलिए फॉर्मूले में वी भी आया। ऐसा कोई इसका डेरिवेशन नहीं, तो डिफाइंड क्वांटिटी है ना भाई, किसी ने डिफाइन कर रखी है, एक्सपेरिमेंटली चेक भी है, वैसे टेंशन ना लो। एक और चीज समझा सकते हैं, देखो ऐसे भी समझ सकते हो इसी बात को, इसके लिए मुझे एक नया टर्म आपको बताना पड़ेगा, कोरोना डिस्चार्ज, हे कोरोना विल यू बी माइन, कोरोना डिस्चार्ज कितना खूबसूरत सा नाम है, कोरोना डिस्चार्ज, ये क्या, जैसे मान लो यही कैपेसिटर है, यही कंडक्टर है, इसके ऊपर तुमने कुछ 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 इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, अब चार्ज देने से क्या होगा, इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसके आसपास, टिंग 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 बन जाएगी कि नहीं, अच्छा यानी पोटेंशियल भी डेवलप होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब साथ में होता है, मान लो इसको क्यू चार्ज दिया, यहां पे पोटेंशियल मान लो अगल बगल वी बन गया, और आसपास एकदम जस्ट बगल में ऑन द सरफेस वी, आपको बताया ना मैंने इसी का लेते हैं, एकदम कैपेसिटर का कंडक्टर, तो ठीक है एकदम बगल में मान लो वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही, देखो दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्यों वी इंक्लूड किया समझा रहे हैं, चाहो तो रट सकते हो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, फील दे रहे हैं आपको, पहली बात समझ में आई कि भैया वी जितना ज्यादा हो जाएगा चार्ज लाना उतना टफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा, उतना कम चार्ज ला पाओगे, कैपेसिटी कम तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। दूसरा तरीका समझो, अच्छा अगल बगल इसके क्या होगी, हवा होगी, ये हवा है, यहां मान लो हवा है, एयर मॉलिक्यूल, अब एयर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है वैसे तो, पर तुम जानते हो कि अगल बगल चार्ज को देखकर इसका मन भी थोड़ा सा, हम भी चार्ज बनाते हैं, तो ये पोलराइज हो जाएगा, एयर का मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि एयर के मॉलिक्यूल से कहेगा अपने इलेक्ट्रॉन इधर लाओ, इलेक्ट्रॉन इधर लाओ, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ एयर, दिस इज पोलराइजेशन, समझा रहा हूं बच्चों प्रॉब्लम क्या हो रही है, पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज, मान लो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी 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 स्ट्रांग, पोटेंशियल इज वेरी 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 लार्ज, मान लो ऐसा कुछ हो गया,
तो इस केस में क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यहाँ बहुत निगेटिव, ये कड़कड़कड़कड़कड़, अब बिजली चमकेगी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और क्या होगा, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, चलू मैं चला, यहाँ पे आपको एक डिस्चार्ज होता हुआ दिखेगा। ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कोरोना डिस्चार्ज का, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ऐसे स्फेरिकल बॉल रखी रहेगी, इसके बाद चिक 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 कैसे चमकेगा। तो भाई ये प्रॉब्लम कब हुई, जब पोटेंशियल बढ़ गया। अब क्या इसकी कुछ कैपेसिटी है, कोई कैपेसिटी नहीं यार, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे चार्ज कम होने लगा। मान लो इस पे 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज तुमने किसी तरह से चिपकाया था, तो अब यहां से इस पे मान लो कुछ आ गया 0.2 कूलम चार्ज वापस आ गया, -0.2 कूलम, तो 1.8 कूलम कैपेसिटी घटने लगी। क्यों घटने लगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल। चाहे ऐसे समझो, पोटेंशियल जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम। तो हम चाहते हैं कि पोटेंशियल कम से कम हो और चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, तब कैपेसिटेंस बढ़िया आएगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पोटेंशियल कम से कम हो, चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, तब कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा आएगा। मतलब यार चार्ज भी दे दें और पोटेंशियल भी ना बढ़े, चार्ज भी दे दें और पोटेंशियल, और चार्ज दे दें और पोटेंशियल, हम देते रहें चार्ज, है ना, चालू इंसान। छापो ये चीज़ें, मैं नहीं चाहता कि आप लिखो, कोई खास जरूरत नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज भी आपके सिलेबस में नहीं, वो सब बातें भी आपको कोई खास समझ नहीं चाहिए, मतलब फील आना चाहिए, फील आ गया होगा। छापना चाहें तो छाप लें, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। देखो फील आया कि नहीं, हम चाहते हैं कि इस बेचारे को हम चार्ज भी भर भर के दे दें और इसका पोटेंशियल भी ना बढ़े। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, भाई पोटेंशियल बढ़ेगा तो और जो चार्ज देने में दिक्कत होगी, पोटेंशियल बढ़ेगा तो अगल बगल की एयर से ये चार्ज खींच कर न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करने लगेगा। हम चाहते हैं दोनों चीज ना हो, चार्ज भी दें पोटेंशियल भी ना बढ़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, विच इज इम्पॉसिबल। होगा सब ठीक है, समझ में आ गया, पोटेंशियल जितना कम हो, चार्ज जितना ज्यादा, कैपेसिटी उतनी ज्यादा, मिटा रहे। अच्छा अब डेफिनेशन है, बताया है, ठीक है। अब जो इसमें सबसे मतलब बढ़िया चीज क्या है, क्या है सबसे बढ़िया चीज, इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये जो C है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। She is इंडिपेंडेंट pendant ऑफ Q एंड V। अब ये तो आप विश्वास ही नहीं करोगे, कहोगे सर अभी तो कुछ और बात हो रही थी, अब कुछ और। अच्छा अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाई आई, तो क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो वीडियो को पॉज करो, 10th की किताब उठाओ, थोड़ा सा ऐसे आत्मगिलानी हो, थोड़ा सा ऐसे बुरा लगना चाहिए तुमको, है ना। रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, पढ़ा होगा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज अ कॉन्स्टेंट। यानी R के फॉर्मूले में V और I है, पर R does not depend upon V and I, resistance depends upon the property of material and the dimension of material। अगर आपको resistance का फॉर्मूला याद हो, क्लास 10th में पढ़ा है, rho L by A, सब लोग क्लास 10th पढ़ के ही तो यहाँ तक आए होंगे, rho L by A, यानी material पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, V और I पे डिपेंड, रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट फॉर अ मटीरियल। इसी तरह से C डिपेंड्स, या C डिपेंड्स, चलो ठीक है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, हाँ डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम है, कहाँ खेल खेल रहे हो, कहाँ कहाँ नहीं कर रहे हो, इन पर डिपेंड करता है, ध्यान रखें। C को चार्ज और पोटेंशियल से मतलब नहीं है। तुम बोलोगे चार्ज बढ़ा देंगे तो C बढ़ेगा, नहीं रहे, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, C will remain constant. C is a constant for a given conductor. जैसे ही वो कंडक्टर बनकर हाथ में आया, उसका C फिक्स हो गया। ऊपर वाले ने हर कंडक्टर के ऊपर एक ठप्पा लगा के भेजा है, तुम्हारा कैपेसिटर इतना है, इतना ही रहेगा जीवन भर। हाँ आर्टिफिशली बढ़ा सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक वगैरह लगा सकते हैं, वो सब तो ठीक है, फिजिसिस्ट कर देंगे, बट चार्ज और V से वो चेंज नहीं। जैसे एक तार उठाते ही उसका रेजिस्टेंस फिक्स है कि रेजिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, अब इस पे इतना पोटेंशियल लगाओगे तो इतना करंट, इतना पोटेंशियल तो इतना करंट, इतना पोटेंशियल, इसी तरह से कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगा, चार्ज और पोटेंशियल को आप चेंज कर सकते हो। विल यू रिमेंबर दिस? शाबाश।
Capacitance depends upon dimensions of conductor and property of medium. Feel आ रहा है capacitance क्या चीज़ है? ऐसी चीज़ है जो charge को hold करता है, energy को hold करता है और suddenly supply करता है. But capacitance का formula जो है वो Q by V है. Capacitance की unit expect कर रहे थे energy की हो, charge की हो, पर नहीं है, Q by V की unit होगी. अब यही unit की बात कर लेते हैं. Unit of C, Q by V. देखो charge होता है coulomb में, V होता है volt में. तो coulomb पर volt इसकी SI unit है. कूलाम पर वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है. कूलाम पर वोल्ट को फिजिक्स में बोला गया फैरेड. फैरेड फैरेड ठीक है. फैरेड फैरेड एक नई यूनिट इजाद हुई है फैरेड. इसको कैपिटल एफ भी लिखते हैं फैरेड. पर जनरली आप किताब में देखोगे तो जो सवाल होते हैं वो माइक्रो फैरेड म्यू एफ के होते हैं. बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटर की फैरेड. जल्दी फैरेड नहीं मिलती आपको, म्यू एफ मिलती है. नोट कर लेती बात. मजा आ गया, फील आ गया. C is dependent of Q and V. C depends upon dimensions. Length area वगैरह पे शायद depend करेगा. जैसे वो depend करता है और कुछ ना कुछ property of medium पे, जैसे वो भी property of material पे. Feel आ गया? Farad क्या होता है farad? जैसे मान लो मैं बोल दूँ किसी capacitor का capacitance 2 farad है. Feel. Feel. किसी capacitance का capacitance 2 farad है. Capacitor capacitance. इसका मतलब क्या है? आराम से 2 coulomb पर वोल्ट. यानी उस कैपेसिटर पे जब 2 coulomb चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल 1 volt बढ़ जाएगा. उस कैपेसिटेंस पे कैपेसिटर पे अगर 4 coulomb चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल 2 volt बढ़ जाएगा. समझ गए? यानी जब भी इसमें 2 coulomb चार्ज रख के जाओगे इसका पोटेंशियल 1 volt बढ़ा हुआ पाओगे. जब भी इसमें 2 coulomb का चार्ज रख के जाओगे इसका पोटेंशियल फिर से 1 volt बढ़ा हुआ पाओगे. यही फील है 2 farad का. चार्ज जब भी रखोगे पोटेंशियल बढ़ेगा. हम चाहते हैं चार्ज भी रखें पोटेंशियल कम से कम बढ़े. चार्ज भी रखें पोटेंशियल कम से कम बढ़े. जैसे किसी का कैपेसिटेंस मान लो 10 farad है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है 10 coulomb पर वोल्ट कि यार 10 coulomb का चार्ज रखने पर इसका पोटेंशियल 1 volt बढ़ रहा है. ये तो बर्बाद है. 2 coulomb पे 1 volt बढ़ा रहा है. पोटेंशियल बढ़ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. अगल बगल कोरोना डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, दूसरे चार्ज को रखने में प्रॉब्लम है. हम चाहते हैं पोटेंशियल कम से कम रहे और चार्ज ज्यादा से ज्यादा रख दें. आया फील कि नहीं? ये वाला 10 coulomb चार्ज रखने पे 1 volt बढ़ा रहा है. धीमे 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 पोटेंशियल रखते जाओ, चार्ज रखते जाओ, हम भर ही नहीं रहे हैं. आया फील? बहुत बढ़िया. फैरेड है ना. ये सब फील के लिए बता रहे हैं, सवाल करने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं. बट कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे ये एक बात इंपॉर्टेंट है, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी. तेज तो नहीं हो रहा, क्लियर है? मिटा दें. एक नई ऊर्जा से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं आज. इसको मिटा दें. चलिए यहां तक काफी बातें हो गई. अच्छा अब बात करते हैं कैपेसिटर की. अब एक्चुअल बात करना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सिलेबस में 3 तरह के कैपेसिटर है. एक है स्फेरिकल, एक है पैरेलल प्लेट. प्लेट देख के खाना याद आ गया सर. एक है स्फेरिकल, मजाक बन, एक है पैरेलल प्लेट और एक है सिलेंड्रिकल. तो जो सिलेबस में भर भर के है वो है पैरेलल प्लेट. ठीक है, तो उसके लिए सेकंड लेक्चर आएगा, फिर वो चलेगा 4-5 lectures. और एक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कॉम्पिटिशन कभी कभी आ जाता है. तो स्फेरिकल से स्टार्ट करते हैं. स्फेरिकल में कुछ नया नहीं है. स्फेरिकल में जो फॉर्मुलेज लिखाएंगे वो फॉर्मूले पैरेलल प्लेट में भी कंटिन्यू होंगे. स्फेरिकल में जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वो कॉन्सेप्ट पैरेलल प्लेट में कंटिन्यू होंगे. और स्फेरिकल पढ़ के ही फील होगा कि पैरेलल प्लेट की क्या आवश्यकता थी. अभी तक हमसे कहा कि एक कंडक्टर चाहिए, ले लो, उस पर चार्ज रखना है, दे दिया. अब हमने कहा किस शेप का? तो जो सबसे पहला शेप सजेस्ट किया गया बहुत ही पुराने समय की बात है वो था स्फेरिकल कैपेसिटर. आपसे कोई कैपेसिटर बोले, आपसे कोई कंडक्टर बोले, बच्चों बुरा मत मानना, दोनों एक ही चीज होंगी. स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर. तो इसका शेप कैसा होगा? सारा लिखा तो है, स्फेरिकल होगा. ठीक है, अगर ये कंडक्टर है और इसको मैं चार्ज दूं तो सारा चार्ज कहाँ पे रहता है? आपने पढ़ा है कंडक्टर में ऑल चार्ज ऑफ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस. ओके, ये सब चीज़ें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा दी गई है कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज दोगे सब उसके सरफेस पे चला आएगा. तो मान लो हमने इसको टोटल चार्ज Q दिया, इसके सरफेस पे आ गया. और मान लो जस्ट यहाँ पे पोटेंशियल V है,
तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा प्यारे बच्चों आप बोलो क्यू बटे वी। मैंने कहा सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं प्रूफ करता हूं बच्चों, अगर ये एक स्फीयर है और चार्ज इस पे क्यू है तो जस्ट सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा बता सकते हो क्या? किया है क्या हमने ये? सरफेस पे कितना होता था? वी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन इसका रेडियस अगर आर है तो के क्यू बाई आर होता था। कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग तो बड़ी कहानी थी, बट उसमें भी सरफेस पे तो यही आता था। खैर एनीवेज के क्यू बाई आर होता है यहाँ पे पोटेंशियल। ऐसा लगता है कि सारा चार्ज सेंटर पे रखा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे रखा है सारा चार्ज प्लस क्यू और यहाँ से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई, ऐसा लगता है। ठीक, यानी अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन के क्यू बाई आर। क्यू से क्यू मर गया और ये हो गया आर बटे के। वॉट इज के? वॉट इज दिस के? दिस K is 1/4πε0। तो K की जगह 1/4πε0, तो 1/4πε0 ऊपर चला गया 4πε0R। This is the capacitance of a spherical conductor। जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि ये जो capacitance, सर हटो तो पहले, हाँ हट गए, ये जो capacitance की value आई है ये Q और V पे depend नहीं कर रही। This capacitance depends अपॉन डायमेंशन। देखो ना, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज रख सकते हैं। दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, कि अगल बगल क्या मीडियम है। देखो ना, एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? ये कहां से आया? एयर से ही तो आया। अभी कोई और मीडियम होता तो एप्सिलॉन रखते, पढ़ा है ना बाकी के लिए एप्सिलॉन, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी सब पढ़ा है ना। अभी नहीं पढ़ा तो अभी इसमें डायलेक्ट्रिक कंसेप्ट बहुत खूबसूरती से आएगा। डायलेक्ट्रिक, अरे वाह वाह वाह, एकदम भर के आने वाला डायलेक्ट्रिक अभी। तो ये समझ गए आप कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द डायमेंशन एंड द मीडियम। यही तो मैंने बोला था। आ गया ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस, खत्म बात। नोट कर लो, नोट कर लो, सवाल करेंगे छाप ले, पहले इसको पॉज करके छाप ले। अरे छाप लो। सवाल नंबर एक, इफ रेडियस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 मीटर फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। 1 मीटर की फील है आपको कितना होता है 1 मीटर? ये लंबा होता है इतना, इतना रेडियस मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर, समझ रहे हो? रेडियस 1 मीटर है, स्फीयर है पूरा, इसे इतना बड़ा इसका कैपेसिटेंस पूछा है। मैंने बनाया ऐसे फील इसलिए दिया क्योंकि अभी कैपेसिटेंस निकालोगे तो आपको फील आएगा। C इज इक्वल्स टू 4πε0 R, R की वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 9×10⁻¹। सो दिस विल बी 1/9×10⁻¹। सो दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, मैं कर लूँ ऊपर एक 10 ले लेते हैं, नीचे एक 10 ले लेते हैं, टन 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 टर, ऐसे कर सकते हैं, ऊपर एक 10 ले लिया नीचे एक 10 ले लिया, हाँ सही है। 9 × 9 = 10, 9 × 9 = 10, ये ऊपर आएगा टिंक में, तो कैपेसिटेंस आ रहा 1.1×10⁻¹ फराड। बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है यार, देखो ना। अरे माइक्रो में भी लिखोगे तो भी 10⁻⁴। इसको मैं लिखूं तो 1.1×10⁻⁴ माइक्रोफराड। तो मैं सिलेबस में जो सवाल आएंगे 2 माइक्रोफराड, जैसे आप कूलर का आप कंडेंसर निकाल के देखना तो उस पर लिखा होगा 5 माइक्रोफराड। ये किसी काम का ही नहीं है, बर्बाद हो गए। कैपेसिटेंस का कितना खराब है, ये 1.1×10⁻⁴ माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करेगा और इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। यानी इसका पोटेंशियल समझो, इसमें जब तक तुम 1 कूलम करीब करीब, अरे जान निकल जाएगी, चांस ही नहीं है। 1.10⁻¹⁰ कूलम, ये छोटू सा चार्ज रखते 1 वोल्ट बढ़ गया, एक बार इतना ही चार्ज रखा 1 वोल्ट और बढ़ गया। अरे इसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो जाएगा, चार्ज इसमें कुछ आ ही नहीं पाएगा तब तक, अगल बगल की एयर कोई पोलराइज कर देगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर वैसे भी काम के नहीं होते, इसीलिए पैरेलल प्लेट बनाए गए थे, फिर भी फील के लिए हम आपको बता रहे थे। क्या कह रहे हो? 1 फैराड, आओ चलो। कोई कह रहा था, अरे वो दूसरे घर से, वो कह रहा था कि सर 1 फैराड किसका कैपेसिटेंस होगा, जरा बताओ 1 फैराड सर
कितना बड़ा स्फीयर चाहिए होगा? अगर 1 फेरेट चाहिए हो तो सर ये तो बहुत छोटा है। मिटा दें इसको, मिटा दें। ठीक है, वेबसाइट का मैं प्रमोशन कर देता हूँ, www.physicswallahalakhpandey.com। इस वेबसाइट पे अभी तक के काफ़ी नोट्स और असाइनमेंट में डाल चुका हूँ, बाकी मैं धीमे धीमे डालूंगा, कंप्लेन मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो। लो भैया, 1 फेरेड फिर भी मतलब मस्त ही, तो 1 कूलम चार्ज पे 1 वोल्ट बढ़ेगा, ये कैसे होगा? जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। हाँ भाई, तो हो गया सवाल, हो गया। क्या करेंगे? C इज इक्वल्स टू 4πε0r, C की जगह रख देंगे 1 इज इक्वल्स टू 4πε0r, यहां से r की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹। अब देखो ये SI यूनिट में है, ये SI यूनिट में है, यानी रेडियस भी SI यूनिट में, 9×10⁻¹ मीटर, बस इतना बड़ा, बस 9×10⁻¹ मीटर बड़ा स्फीयर लेने पे उसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड आएगा। 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अरे अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6.4×10⁻⁶ मीटर, उससे भी बड़ा। हमारी पृथ्वी से बड़ा स्फीयर लोगे तब जाके उसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड आएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर की प्रॉब्लम यही है कि इनका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए क्लियर है, मिटा ला जाए, मिटा ला जाए इसको। अच्छा, तो ये थी कैपेसिटेंस की कहानी, स्फेरिकल कैपेसिटर की जुबानी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी 4πε0r, और प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटेंस बहुत कम है। अब यहीं पे एक टॉपिक में और डिस्कस कर लेता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और हम उसको स्फेरिकल कैपेसिटर से समझ तो रहे हैं, पर वो पूरी कहानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे भी अप्लाई की जा सकती है, और परेशान नहीं हो, वहां पे फिर से डिराइव कर लेंगे। तो बात करने जा रहे हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो बेसिकली हम स्फेरिकल से समझ रहे हैं आज, बट जो फॉर्मुलेज आएंगे वो वैलिड होंगे पैरेलल प्लेट के लिए भी, है ना, सिलेंड्रिकल के लिए भी। अभी हम बात स्फेरिकल की कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है असल में। अच्छा, मान लो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, बहुत बढ़िया, इस पे लाके आपने चार्ज जमा दिया, मस्त चार्ज जम गया। तो यार ये चार्ज कहाँ से जमाया होगा? कहीं से लाके जमाया होगा ना, इस चार्ज को कहीं से बिन बिन के लाया होगा ना, किसी डिब्बे से। कहाँ से लेके आते हैं? हमारी तो प्रथा चलती आ रही है कि इन्फिनिटी से हम चार्ज ला के यहाँ पे रखेंगे, तो हम इन्फिनिटी से सारा चार्ज ला के इस पे खचाक से रख दिए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा चार्ज एक बार में लाया और उठा के इस पे रख दिया। हम छोटा छोटा चार्ज लेके आए होंगे, छोटा छोटा DQ लेके आए होंगे, और यहाँ पे DQ चार्ज को असेंबल किए होंगे। एक बार DQ लेके आए, फिर दूसरी बार DQ लेके जब आने लगे तो इस DQ ने उसको रिपेल कर दिया। एक बार DQ लेके आए, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर अगली बार DQ लेके चले तो इसने उसको रिपेल किया, तो हमने थोड़ा सा वर्क किया, यहाँ रखा, फिर यहाँ पे चार्ज 2DQ हो गया। फिर तीसरा वाला DQ लेके आए, दोनों ने रिपेल किया, हमें और वर्क करना पड़ा। समझ रहे हो ना, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो धीमे धीमे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। करते करते जब हमने आखिरी DQ इस पे रखा, तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया, और ये सारे वर्क को अगर हम जोड़ें, ये सारे वर्क को हम जोड़ें, पहला वाला DQ लाने में कोई काम नहीं होगा। पहला वाला DQ लाया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 1 DQ ला के रख दिया, आसान। दूसरे DQ को लाने में मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये रिपेल कर रहा था, तीसरे को और मेहनत, चौथे को और मेहनत। तो हर DQ को लाने में जो मेहनत की है, जो वर्क किया, ये कहाँ गया? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा DQ चार्ज को बटोर के, है ना, डिब्बे से उठा उठा के यहाँ ला के रखने में, जो हम काम करेंगे वही काम स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच DQ एलिमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्फीयर
ये जो आपने काम किया यही किसमें स्टोर हुआ, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अरे जो तुम काम कर रहे हो वो कहाँ गया है, फ्रिक्शन वगैरह तो कोई है नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो आपका वर्क छूमंतर थोड़ी ना होगा, कहीं तो बचा होगा। जो काम किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अभी लिख के भी बताएंगे इक्वेशन, अभी फील दिया है हमने, फील देने की आदत। अच्छा अब बात हुई कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यार वर्क में भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कि पहला वाला डी क्यू लाने में वर्क डन जीरो है, कोई चार्ज ही नहीं, उठा के ऐसे ऐसे खिसका दो अपने आप चलाएगा। दूसरे वाले में फोर्स लगा के खींच के लाना पड़ेगा, ये रिपेल कर रहा है। तीसरे वाला जब डी क्यू लाओगे यहाँ से और रिपल्शन, और ज्यादा फोर्स लगा के और ज्यादा वर्क, यानी वर्क भी लगातार चेंज हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि ऐसे समझो, इसको फील के साथ समझो, जब टाइम जीरो है तब यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो है, तब यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा, यहाँ पे V भी कितना होगा, जीरो ही होगा। टाइम जीरो है, यहाँ चार्ज भी नहीं है, पोटेंशियल सब वहाँ है जितना है इन्फिनिटी पे। अच्छा टाइम कुछ T हुआ, कोई T टाइम है, उस टाइम चार्ज मान लो इसके ऊपर Q है, स्मॉल Q। अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है, हो रहा है धीमे धीमे, देखो कुछ कुछ जगह से चार्ज गायब है, अभी ऐसे दिखाने के लिए बना दिया, वैसे तो यूनिफॉर्मली हम चार्ज रख रहे हैं, पर कुछ कुछ जगह से मान लो अभी गायब है चार्ज। इस टाइम पोटेंशियल कितना है, इस टाइम पोटेंशियल कितना है, मतलब कंप्लीटली तो पोटेंशियल तक पहुंचे नहीं, कितना है कितना है कितना है। अच्छा इसका इस टाइम कैपेसिटेंस कितना है, इस टाइम इसका कैपेसिटेंस कितना है, क्या इस टाइम इसका कैपेसिटेंस जीरो है? जिसने ये जवाब दे डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जिस इस टाइम इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना है, जीरो। ना भाई ना, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसका कैपेसिटेंस तो जो यहां पे है वही यहां पे है वही यहां पे, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज होल्ड किया है कि नहीं किया है ये बात नहीं है, एबिलिटी कितनी है। तो इसका कैपेसिटेंस तो यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, और लास्ट में भी सी रहेगा। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस तो ये स्फीयर बनते ही भगवान ने इस पे टप्पा लगा दिया था, तेरा कैपेसिटेंस सी भाई, समझे। अब मान लो इस पे पोटेंशियल किसी टाइम पे V है, जो टाइम चल रहा है, तो इस टाइम C इज इक्वल्स टू Q बाई V लिख सकते हैं, यस और नो? अरे कैपेसिटेंस तो फिक्स है ना, चार्ज चेंज होगा पोटेंशियल, C इज इक्वल्स टू Q बाई V तो कभी भी लिख सकते हैं। यहां पे कहोगे नॉट डिफाइंड है, उसको छोड़ दो यार, वो तो फिक्स है Q बाई V। यहां से V की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C, ध्यान से देखो Q बाई C, Q और V वेरी कर रहे हैं, C इज फिक्स्ड। अच्छा टाइम हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत समय बीत गया, काफी टाइम हो गया, जितनी चार्जिंग होनी थी जितना लाना था चार्ज सब हो गया, चार्जिंग बोलते हैं ना इसको, चार्ज कर रहे हैं। इस टाइम चार्ज भी पूरा एकदम सिमट के, हाँ भाई क्यू पेट भर गया। इस टाइम पोटेंशियल भी कैपिटल वी, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल सी, क्लियर है? ये कहानी चल रही थी। तो हमने इस समय को लिया, इस समय हम डी क्यू चार्ज उठा के यहां पे लाए, इस समय पे जब इस पे चार्ज Q है और इस पे पोटेंशियल V है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू ब्रिंग DQ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फीयर, और स्फीयर की इस टाइम कंडीशन क्या है कि स्फीयर पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V है और कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस तो हमेशा सेम रहेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे ये, सर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से निकाल लें, डी क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन को डी डब्ल्यू लिखा। अरे छोटे से चार्ज के लिए कितना वर्क होगा, छोटा सा, बोलो आया पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी। अगर डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हैं तो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज अज्यूम्ड एज जीरो, यहां से वर्क डन आ गया अपना dW is equals to VdQ, बोलो समझ में आया? ये छोटा सा वर्क हुआ उस dQ चार्ज को लाने में, इस dQ चार्ज को लाने के बाद यहाँ का पोटेंशियल फिर बढ़ जाएगा, फिर अगले वाले में वर्क डन फिर चेंज हो जाएगा, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वगैरह। खैर सो टोटल वर्क डन, पहले dW की वैल्यू लिखो, dW VdQ, V कितना है इस टाइम पे है Q by C into dQ, इतना वर्क डन हुआ dQ चार्ज लाने में इस कंडीशन में। अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, टोटल हमने एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्मॉल डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है चार्ज का। तो शुरू में इस पे कितना चार्ज है, जीरो, लास्ट में कितना चार्ज करना है, कैपिटल क्यू। पहले जीरो चार्ज था शुरू में, करते 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 यहां तक आके कैपिटल क्यू, यहां से सी एक कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा,
1 by C बाहर आ गया, integration of Q dQ 0 से Q, ठीक है, पाप लगेगा अगर आपको ये integration नहीं आता है तो, आपको पाप लगे अगर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आता है तो, क्यू डी क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस होल चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू इज वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से क्यू, क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इतना वर्क आपने किया कहां गया, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अरे आपने पढ़ा था ही डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सब भूल गए, भूल गया मैं सब कुछ, पढ़ा था कि नहीं, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्वाहा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज क्यू स्क्वायर बाय टू सी, डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है। अरे भैया एनर्जी है स्टोर तो निकाल ले, कितनी एनर्जी स्टोर कर गए, तो शुरू में कुछ एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं थी, खाली जगह थी, धीमे धीमे एनर्जी स्टोर्ड की, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मानोगे ना शुरू में, कोई ये डेफिनेशन नहीं पता क्या, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पिछले दो लेक्चर से चल रही है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लो, सब एक ही बात होती है बच्चों, या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मिला, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियली यहाँ कोई एनर्जी थी नहीं, आपने लाख की एनर्जी जमाई है, तो इनिशियली एनर्जी जीरो हो गई, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, अगर किसी कैपेसिटर पे चार्ज क्यू रखोगे उसका कैपेसिटेंस सी है तो एनर्जी स्टोर्ड क्यू स्क्वायर बाय टू सी होगी, भले ही कैपेसिटर स्फेरिकल सिलिंड्रिकल या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्वाहा छापे। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, धीमे धीमे मैंने बजाया, शुरू में मैंने कह दिया कि चार्ज जीरो है, पोटेंशियल जीरो रहेगा बट कैपेसिटेंस सी रहेगा, थोड़ी देर बाद चार्ज बढ़ के क्यू हो गया, पोटेंशियल हो गया क्यू बाई सी, बाद में पोटेंशियल हो गया कैपिटल क्यू बाई सी, सी चेंज नहीं हुआ, जब डी क्यू को लेके आए तो वर्क डन हुआ वी डी क्यू, डेफिनेशन समझ में आई, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज तो डी डब्ल्यू, फिर टोटल वर्क डन तो इसको इंटीग्रेट मार दिया, वी की जगह क्यू बाई सी रख दिया, सी बाहर आ गया, क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, फिर मैंने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कुछ है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल मिटा दे, ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी चार्ज्ड कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाय टू सी, अब पर्टिकुलरली यहां देखोगे तो यहां पर हम एक अलग वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहां हम आपके लिए एक अलग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं सी की वैल्यू भाई स्फेयर के केस में कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ई लिखो या यू लिखो, ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन भी हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे चार्ज क्यू है ना, ये भी हमने सवाल नहीं किया था ना कि स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे चार्ज क्यू है या शेल जिस पे चार्ज क्यू है, भाई शेल पे भी चार्ज पूरा सरफेस पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इतना, बट देखो और किस किस तरह से लिखते हैं, देखो ये तो किसके लिए, पर्टिकुलर स्फीयर के लिए, हम सभी कैपेसिटर की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी, अच्छा मान लो एग्जाम में आपको क्यू नहीं दिया, वी और सी दिया है, तो इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी, इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी किसी ने कहा लिखो, तो कुछ नहीं यार क्यू इज इक्वल्स टू सी वी लगा दो, धीमे धीमे फैमिलियर हो जाओगे, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है तो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा, वी इज द फाइनल पोटेंशियल, फाइनली क्या पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां से यू की वैल्यू हो जाएगी, बोलो क्यू की जगह सी वी रखोगे तो सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अरे भैया क्यू इज इक्वल टू सी वी से खेल खेल सकते हो, किसी ने कहा ना 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 इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी बताओ हमें सी नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी बताओ हमें सी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सी यहां से क्या हटाना है, सी हटाना है तो सी की जगह क्यू बाई वी रख दो, यहां से क्यू बाई वी रख, कहीं से भी रख दो, तो क्यू बाई वी रखोगे तो आएगा हाफ क्यू वी, यहां से क्यू बाई वी रखो एक वी वी कैंसिल हाफ क्यू वी, अरे नहीं आया ये तो डिराइव कर लिया, फिर हमने क्यू की जगह सी वी डाल दो भाई, वी फाइनल पोटेंशियल, सी कैपेसिटेंस, तो क्यू इक्वल सी स्क्वायर वी स्क्वायर सी सी कैंसिल हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी सी, इन टर्म्स ऑफ क्यू वी चाहिए तो सी की जगह क्यू बाई वी रख दो, क्लियर है,
तो तीनों ही फेमस फॉर्मूले हैं, तीनों ही फेमस हैं। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चाहे स्फेरिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट हो, सब पे चलेंगे तीनों फॉर्मूले। अब स्फेरिकली ऊपर एक स्पेशली उसके सी की वैल्यू 4πε₀ रख दी। कंसेप्ट जो बताया यही आप पैरेलल प्लेट में भी लगाओगे। फील आ रहा है अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में? बहुत बढ़िया, मेरे तार को इसने फंसा लिया है। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। छाप लो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये वाला याद रखना, बाकी अपने आप बन जाएगा। वैसे सब याद हो जाते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। सर आप तो शिक्षक हो, आपको तो याद रहेगा। छाप ले बच्चों, खूब ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सब याद होगा। मिटा दे बच्चों, मिटा दे खूबसूरत से बच्चों। ओके, अब देखो हुआ क्या कि स्फेरिकल कैपेसिटर हमने बनाया समझा, पर प्रॉब्लम क्या है कि स्फेरिकल कैपेसिटर एक बहुत अच्छी खोज नहीं है। ना नो नो, इट्स नॉट अ वेरी गुड डिस्कवरी। हमें अभी भी लग रहा है कि इससे बेटर कैपेसिटर बन सकते हैं, और बहुत से एडवांसमेंट होते 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 फाइनली जो सबसे अच्छे कैपेसिटर बने जिसको हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा। बात ये कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम्स विथ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पहली प्रॉब्लम तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका कैपेसिटेंस बहुत कम है, फर्स्ट वेरी लो कैपेसिटेंस। मैंने आपको दिखाया कि अगर एक मीटर बड़ा भी ले लो तो भी कैपेसिटेंस आ रहा था 1.1 × 10⁻¹⁰ यानी 1.1 × 10⁴ μF, कोई काम नहीं, बहुत बेकार है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है समझो, मान लो ये स्फीयर, ये तो समझ गए ना कैपेसिटेंस बहुत कम दे रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि मान लो ये स्फीयर है, रेडियस आर है, चार्ज रख दिया आपने क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मस्त एकदम, कितनी क्यू स्क्वायर अपॉन 8πε₀r, क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, c की वैल्यू 4πε₀r। यार ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, मतलब कहाँ दिख रही है? यार ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी जगह में फैली हुई है। बोलोगे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तीर बना के क्या दिखा रहे हो, ये तो मैं फील्ड दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो फील्ड है ये पूरी स्ट्रेच है, मतलब कहने का मतलब मान लो यहाँ कोई छोटा सा चार्ज माइनस क्यू रख दूँ तो ये कैपेसिटर बदमाश है, इसके साथ छेड़खानी करेगा, इसको अपनी तरफ चिपकाएगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कोई प्लस क्यू रख दो इसको रिपेल करने लगेगा, एनर्जी को बर्बाद करेगा, दुनिया में बांटेगा। व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी, सेकंड पॉइंट ये है कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्प्रेड हो रखी है कहां से कहां, इसके रेडियस से लेके इंफिनिटी तक। देखो हमें चाहिए बंधी हुई एनर्जी, हो रखी हुई एनर्जी। कैपेसिटर का काम क्या, एनर्जी को स्टोर करके अचानक से सप्लाई करना। इनसे बोलेंगे एनर्जी तो खर्चा हो गई साहब, कहां गई, उड़ा दिया हमने इधर उधर के चार्ज को अट्रैक्ट रिपल करने में, बर्बाद कर दिया। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम थी स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ। इनमें बहुत से एडवांसमेंट हुए और करते करते हम पहुंचे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जिस पे आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।